चुनाव आते ही हर पार्टी का नेता या नेता लोग जो हैं समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देते वोट बटोरते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है तो अपना वादा भूल भी जाते हैं। कुछ ऐसा ही चरखी दादरी के गांव दातोली के साथ हुआ। रिपोर्ट देखिए। चरखी दादरी का गांव दालौती है जो पिछले 3 दशक से पानी के संकट से जूझ रहा है। जब वोट लेने की बारी आती है तो गांव में नेताओं का जमावड़ा लग जाता है। हर नेता गांव के विकास और पानी का संकट दूर करने का वादा करते हुए वोट बटोरता है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इस गांव की समस्या का समाधान कोई नहीं करता। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने पंचायत करके सामूहिक रूप से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी और हमें पानी बहुत दूर से ले लाना पड़ता है। पानी के नलके पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो हमें वहाँ पे बहुत देर लग जाती है और वो कभी मिल पाता है कभी नहीं मिलता। पूरे गांव में सरपंच साहब की अध्यक्षता में पूरे गांव ने आज पूरा डिसीजन लिया है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी बहिष्कार करेंगे। सरपंच की अध्यक्षता में हुई पंचायत में फैसला लिया गया कि गांव की दोनों बूथों पर मतदान के दिन कोई भी ग्रामीण नहीं जाएगा और किसी भी पार्टी के नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। चुनाव को 4-5 महीना लिया वायदा हुआ था प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अब पानी का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। यूं ही लोगों को बहकाते रहे, डगाते रहे। अब जो है फिर वो जो है विधानसभा के इलेक्शन में गांव वोट नहीं डालेगा, ये जो विरोध हो। पानी के लिए गांव के लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की ओर से वोट बहिष्कार करने का फैसला कितना कारगर साबित होता है और क्या इससे गांव की समस्या हल होगी। R9 TV के लिए चरखी दादरी से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।